आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। अलीराजपुर जिले के ग्रामीणों ने बना दिया लकड़ी का पुल। गांव वाले पुल नहीं बनाते तो बारिश में शहर से कनेक्टिविटी टूट जाती। ग्रामीणों ने वीडियो वायरल कर बताई समस्या। अलीराजपुर के पुनिया वार्ड गांव के लोग अब नाले पर पुलिया बनाने की मांग कर थक चुके हैं। जहां ग्रामीणों ने जब देखा कि इस साल भी बारिश में आने जाने में दिक्कत होगी तो खुद ही अस्थायी पुलिया बना लिया। मामला अलीराजपुर जिले के पुनियावट पंचायत का है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है स्कूली बच्चे और ग्रामीण कैसे बाइक लेकर इस पुलिया से गुजर रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर यह वीडियो बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है लेकिन आज भी कट्टीवाड़ा क्षेत्र के पुनियावट गांव में जान जोखिम में डालकर लोग लकड़ी की पुलिया से गुजरने पर मजबूर है क्योंकि ग्रामीणों के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं। बहुत दिनों से मांग थी कि हमारी ग्राम पंचायत पुनियावट के सभी लोग और कार्यकर्ता और सभी परेशान हुए सभी लोग आज मुझे दो दिन से तीन दिन से फोन किया था। आज मैं इनके गांव में ग्राम पंचायत पुनियावट में उपस्थित हूं। जिस तरीके से इनकी समस्या है उनके लिए इन्होंने मुझे आमंत्रित किया था कि भाई हमारे गांव में इस प्रकार की समस्या है कि कम से कम 100-150-200 लोग जो रोज इस रास्ते से आवागमन करते हैं और कई स्कूली बच्चे हैं काफ़ी समय से सालों से ये समस्या झेल रहे हैं। आज इनके बुलावे पर मैं आया तो वास्तविक में मैंने देखा, आपके पास वीडियो है आप देखना, उसका पूरा जो पहले पुराने जमाने में अपने बाप दादा करते थे वही की वही हालत आज है। इतने सालों से भाजपा की सरकार है, भाजपा के मंत्री है, भाजपा के मुख्यमंत्री है, माननीय प्रधानमंत्री जी है, विदेशों में जाकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जैसी सड़कें हैं, पुलिया है। बिल्कुल शर्मसार करने वाली ये तस्वीर है जो आज एक ग्रामीण क्षेत्र से आपको मैं दिखा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। ये हमारे पीछे लोग खड़े हैं, कई सालों से एक विकास के लिए रास्ता देखे हुए हैं कि आज विकास हो जाए, भाजपा की सरकार हमारे लिए पुलिया बनाए, सड़क बनाए, बच्चे पढ़े आगे बढ़े। ये बिल्कुल ही आज ये दर्शाता है सिर्फ भाजपा की सरकार आदिवासी विरोधी सरकार है। जहाँ पर भी ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ आदिवासी पाए जाते हैं, झाबुआ, अलीराजपुर, मध्य प्रदेश में जहाँ पर आदिवासियों के साथ इसी तरह से अत्याचार होता है विकास के नाम पर, जिस दिन वोट होते हैं उसी समय वोट के लिए बस आदिवासी हमारे भाई आदिवासी ये बहुत सारी प्रकार की योजना चलाते हैं। आज मैं पूछना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, आज हमारे क्षेत्र के अंदर मंत्री है, सांसद है, भाजपा की सरकार है, मुख्यमंत्री है, दिल्ली तक उनकी सरकार है, क्या इस बारे में सोचा है? आज जगह जगह देखी जाए तो सड़कें ऐसी हालत में है, पुलिया नहीं है, लोग परेशान है। यह अपना ही